विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज अनकाउंटेबल, तो हमें बताना है कि कौन सा अनकाउंटेबल नहीं है। तो यहाँ पर इज यूज किया गया है, तो ए के इसमें करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर एक्स बिलोंग्स टू आर, लॉग एक्स इज इक्वल टू पे बाई क्यू फॉर सम पे क्यू बिलोंग्स नेचुरल नंबर, एंड ऐसे ही एक्स बिलोंग्स टू आर सच देट कॉस एक्स रेस्ट टू द पावर एन प्लस साइन एक्स रेस्ट टू द पावर एन इक्वल टू वन फॉर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड दिस इज फॉर एक्स इक्वल टू लॉग पे बाई क्यू वेयर पे क्यू आर सम नेचुरल नंबर्स, एंड कॉस एक्स इक्वल टू पे बाई क्यू फॉर सम नेचुरल्स पी क्यू। तो यहाँ पर कुछ तो पे वाई क्यू यानी कि रैशनल पर डिफाइन किए गए हैं, कुछ रियल्स पर डिफाइन किए गए हैं। तो हम यहाँ पर जो काउंटेबल से रिलेटेड दो सेट हैं जिनके यहाँ पर जिक्र किया गया है, रैशनल और रियल, इन दोनों के हम काउंटेबिलिटी के बारे में हम जानते हैं। तो जो आपका सेट क्यू होता है यानी कि सेट ऑफ रियल, वो आपका काउंटेबल होता है, और आर जो होता है वो आपका अनकाउंटेबल होता है। इन दो फैक्ट्स को हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पर क्या है, लॉग एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से जाता है। तो यहाँ पर लॉग एक्स, वो सारे एक्स जहाँ पर लॉग की जो वैल्यू है वो रैशनल हो जाए, यानी कि यहाँ पर वो सारे एक्स आएंगे जहाँ पर लॉग की जो वैल्यू है वो रैशनल हो जाए, यानी कि पे वाई क्यू जहाँ पर पी क्यू क्या है, नेचुरल नंबर्स, यानी कि पी क्यू नेचुरल हैं, तो इसलिए इसको हम फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, और अगर अदर वर्ड्स में बात करूँ तो रैशनल भी हम कह सकते हैं, क्योंकि कभी भी क्यू जीरो नहीं होगा, क्योंकि जीरो नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर जो ये सेट है, एक तरह से दिस सेट, अगर मैं ए ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ, तो दिस सेट एस इज ए सबसेट ऑफ क्यू, और क्यू क्या होता है, हमारा काउंटेबल होता है, तो काउंटेबल ये होगा, क्योंकि एक काउंटेबल सेट का जो सबसेट है वो काउंटेबल होता है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं काउंटेबल के लिए, कि काउंटेबल होने के लिए आपका वन वन करस्पोंडेंस होना चाहिए, वन वन करस्पोंडेंस। तो यहाँ पर इस सेट और क्यू के बीच, सेट ऑफ नेचुरल के बीच में हम वन वन करस्पोंडेंस एस्टेब्लिश कर सकते हैं यहाँ पर, यानी कि इस सेट के हर एक पॉइंट को, यानी कि हर एक एलिमेंट को हम नेचुरल सेट पर ट्रांसफर कर सकते हैं, उससे रिलेट कर सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट ऑप्शन बी की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर कोस एक्स रेस्ट टू द पावर एन प्लस साइन एक्स रेस्ट टू द पावर एन इक्वल टू वन फॉर सम एन बिलोंग्स टू नेचुरल, तो वो सारे रियल्स यहाँ पर आएंगे जो इस इक्वेशन को होल्ड करते हैं। अगर मैं एन को रिप्लेस कर दूं टू से, तो हम ये वेल नोन आइडेंटिटी हो जाती है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, कि कोस स्क्वेयर एक्स प्लस साइन स्क्वेयर एक्स इक्वल टू वन, ठीक है। तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हो जाती है, और ये सभी एक्स के लिए ट्रू होगी, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो यानी कि जो बी है, यानी कि अगर बी के लिए मैं सेट एस मानूं, तो ये जो एस सेट है ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा रियल नंबर हो जाएगा, यानी कि रियल लाइन हो जाएगी। और आप जानते हैं कि सेट ऑफ रियल आपका अनकाउंटेबल होता है, तो यहाँ पर आपसे जो पूछा गया था वो अनकाउंटेबल के लिए ही पूछा गया था। तो यहाँ पर पहला तो हमारा काउंटेबल हो गया था, तो ये ऑप्शंस तो यहीं पर डिस्कार्ड हो गया था। आपसे पूछा गया था अनकाउंटेबल के लिए, तो ऑप्शन बी आपको यहाँ पर ट्रू हो जाता है। सी और डी को भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर सी के लिए क्या है कि वो सारे एक्स जो लोग पी वाई क्यू को होल्ड करें, जो वो सारे एक्स आएंगे कि जिनका जिन पर अगर हम पी वाई क्यू अगर हमें ऐसे नेचुरल नंबर मिल जाए कि लॉग पे वाई क्यू इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पर इस तरह से लॉग का जो हमारा ग्राफ था, ये वाला जो ग्राफ है लॉग का, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि लॉग जो है उसको हमें इस तरह से यहाँ पर उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो रैशनल पर लॉग वैल्यू फाइंड करनी है, लॉग की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको रैशनल पॉइंट्स पर। तो ऐसे जो लॉग की जो वैल्यू आएगी वो एक रियल नंबर आएगी जो इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर दे एग्जैक्टली। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ई रेस्ट टू द पावर एक्स इक्वल टू पी वाई क्यू, यानी कि आप अगर इसको एक्सपोनेंशियल
फंक्शन की तरफ से अगर कंसिडर करें तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह का होगा। तो हमें क्या ऐसा एक्स मिलेगा जो पी वाई क्यू की फॉर्म में देगा, यानी कि हमें रैशनल दे दे, रैशनल। तो ये जो आपका सबसेट होगा ये भी किसका होगा, सेट ऑफ रैशनल का होगा, यानी कि जो हम सी पॉइंट को चेक कर रहे थे उसका जो सेट एस है इट इज अ सबसेट ऑफ क्यू। और हम जानते हैं क्यू क्या है आपका, काउंटेबल है, काउंटेबल है, तो ये भी आपका एक तरह से काउंटेबल होगा। ऐसे ही अगर हम डी पॉइंट की बात करें, कोस एक्स इक्वल टू पी वाई क्यू, यहां पर बात करी गई है कोस एक्स इक्वल टू पी वाई क्यू। तो यानी कि जो कोस फंक्शन होता है वो एक पीरियोडिक फंक्शन होता है और वो कुछ इस तरह से चलता है। वन वन होने के लिए, क्योंकि हमें क्या चेक करनी है, काउंटेबिलिटी चेक करनी है, अगर ये काउंटेबल होगा तो इसमें वन वन करस्पोंडेंस होगी। वन वन करस्पोंडेंस होगी इसका मतलब कोई भी दो इमेज सेम नहीं हो सकती, नॉट टू इमेजेस सेम, नॉट टू इमेजेस सेम। और ये तो एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, आप सभी जानते हैं कि एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, तो पीरियड के बाद इसकी इमेजेस रिपीट होती हैं, पीरियड के बाद रिपीट होती हैं, लेकिन पीरियड से पहले उसकी इमेज रिपीट नहीं होती हैं। तो मैं इसका अगर यहाँ पर कंसिडर कर लूँ तो यहाँ पर इसकी वन वन करस्पोंडेंस आ जाएगी, क्योंकि विद इन पीरियड मैं जो सेट कर रहा हूँ, विद इन पीरियड बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर विद इन पीरियड वन वन करस्पोंडेंस आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं दिस सेट एंड सेट ऑफ नेचुरल के बीच। तो यहाँ पर ये भी आपका काउंटेबल हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, अ फ्रैक्शन, आप फ्रैक्शन कह सकते हैं इसको, तो फ्रैक्शन कह दीजिए या रेशनल कह दीजिए, पॉजिटिव रेशनल। तो यहाँ पर क्या है, वन वन करस्पोंडेंस होल्ड कर जाएगी, तो ये भी काउंटेबल हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर देखा हमारा ऑप्शन डी भी यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा रॉन्ग ऑप्शन है, सॉरी जो अनकाउंटेबल है, रॉन्ग की बात नहीं करूंगा मैं, अनकाउंटेबल सेट जो है वो ये है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे देर आर सो मेनी एक्स, यानी कि कंप्लीटली आपका रियल सेट आ जाता है, जो कि हम जानते हैं कि रियल क्या है, अनकाउंटेबल। तो जो मैंने दो पॉइंट्स यूज किए, जो फैक्ट्स मैंने आपको शुरुआत में डिस्कस किए थे, उन्हीं दो फैक्ट्स को यूज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए।